और भोले बाबा अमर कथा सुनाने के लिए बैठ गए नीलकंठ पर्वत पर। हो बाबा शंकर महादेव जी और बेटे आतनुमार टिल्लू बेकल भैया। ओ बाबा शंकर महादेव जी बैठे आतनुमार अमर कथा को लगे सुना ले गौरा के भरतार कथा में पर गए सोता मुकरा भर गया बाबा शंकर महादेव जी बैठे आतनुमार अमर कथा को लगे सुना ले गौरा के भरतार कथा में पर क्या है समझाया है। अमर कथा तीर्थंकर गोरा को रहे सुनाई अमर कथा तीर्थ कथा भई नाए पूरी जब ली दऊ मा अरे माल मुनही पड़ी भोला को माल मुनही पड़ी भोले को तोता की हुंकार अमर कथा तू लगे सुना ले गोरा के भरतार कथा में पर गए तोता जब नींद जगी गोरा की तब सोचू हुआ दिल भारी नींद जगी कहन लगी शंकर से प्रभु लग गई आँख हमारी सुना ले उतारन पैया परू तुम्हारा अमर कथा को लगे सुना ले गौरा के भरतार कथा में पड़ गए तोता भूकरा भरिया
अरे शिव शंकर यो बोले अब कथा सुनिए जितने शिव शंकर यो जिंदा नहीं छोड़ूंगो अब कथा सुनिए उसने जिंदा नहीं आगे आगे तोता बाजे आगे आगे तोता बाजे शंकर पड़े पिछार अमर कथा को लगे सुना ले कोरा के वरतार कथा में पड़ गए तोता भूकरा भरी जाओ तोता जब नींद आ गई तो मैं जब नींद आ गई तो ये हुंकरा कौन देने लगा कि ना मालूम जो भगवान शिव ने डमरू को बजाया और डमरू बजने लगा तुरंत तोता निकल करके भगा भगवान त्रिशूल लेके पीछे पड़ गए। जब त्रिशूल लेकर के जब जा रहे हैं व्यास की पत्नी मासिक धर्म से फ्री होकर के अटा पर खड़ी होकर के केस उगा रही थी जब केस उगा रही है उसी वक्त जो जमाई आई जमाई आती है तो मुख पूरा फट जाता है प्रतिगल किया देखा है जो मुख फटा सो तोते का बच्चा अंदर चला गया भगवान ने त्रिशूल गाड़ दिया दरवाजे पे कि कभी न कभी तो निकलेगा तब इसका बंद करूंगा। जब अमर कथा से अमरी हो जाते तो अब बद क्या कर दोगे भगवान ने ध्यान नहीं किया कि तत्वानि संवृतम कृतम देवा यथा त्रभ्यम नमो नमस्ततः सर्वदेवायनम भूतायनम परिषितम देवम नमो नमः नहीं ध्यान किया। धीरे धीरे 12 साल हो गई त्रिशूल गड़े हुए लेकिन वो तोते के बच्चे ने जन्म नहीं लिया। समय आने पर एक दिन व्यास भगवान ने कहा कि महाराज कैलाश पर्वत पर आपका डमरू बजता था लेकिन हमारे दरवाजे पर है कैसे आपने डेरा जमा लिया तो कहा हमारा चोर तुम्हारे महलों के अंदर है जब तक चोर नहीं निकलेगा तब तक हमारा त्रिशूल नहीं उखड़ेगा। क्या चोर कौन है चारों तरफ घर में देखा तो कोई नहीं लेकिन पिंगला गर्भावस्था में थी मना किया कि महाराज मेरे घर में तो कोई चोर नहीं है तुम क्या कह रहे हो कि चोर तुम्हारे घर में ही है जो तुम्हारी देवी है गर्भावस्था में वही मेरा चोर है। पूछा है वो कैसे चोर है तो समझाने लगे वो इस प्रकार चोर है मेरी अमर कथा छुप के आया है सुन के कि तुम्हारी अमर कथा से क्या होते हैं कि अमर कि तो तुम कैसे मार दोगे वो तो अमर हो गया। सोई भगवान शिव जी ने त्रिशूल को खाड़ लिया।